के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी पहुंचे भोपाल और राजधानी के कई प्रतिभाशाली छात्रों को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का मिला अवसर। Is indeed satisfying, but it also raises my expectation from ISER Bhopal in the years to come. This is my first visit to ISER Bhopal, and I'm confident that there will be several opportunities in the future to visit this esteemed institution. महामहिम राष्ट्रपति महोदय का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक बार जरूर इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी है और हमारी बहन स्मृति ईरानी जी भी है। मुझे कई बार लगता है 2.5 साल की उम्र बच्चों की नहीं होती और बस्ते सनात की स्कूल भिजवा देते हैं। बस्ते का बोझ बढ़ता रहा, उस बच्चों की जो प्रवृत्ति रहती है स्वाभाविक रूप से खोजी रहती है, जिज्ञासु रहती है। जरा जरा से बच्चे हमने देखे हैं, वो देखते हैं बड़ी जिज्ञासा से हर चीज़ें। अगर इस प्रवृत्ति को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दिया जाए तो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी बनेंगे, वो ज्ञान के जिज्ञासु बनेंगे, वो नई नई खोज करेंगे। जा बेटा स्कूल और लौट के आके तो पढ़ ट्यूशन, और तो सोचने का मौका नहीं मिलता। मतलब मुझे लगता है कि सचमुच में इससे प्रतिभा कुंठित होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि बस्ते का बोझ हटेगा, खुली हवा में बच्चे सांस लेंगे और जो जिज्ञासा उनके अंदर है, जो ज्ञान उनके अंदर भरा पड़ा है, वो कैसे उसका प्रकटीकरण है, इसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन आज तो मैं अपने नौजवान मित्रों को बधाई देने आया हूँ। सचमुच में आपको यहाँ देख के ISER भोपाल ये मध्य प्रदेश का नहीं देश का भी गौरव है, यहाँ के मैं प्रसन्न हो सकता। छात्राओं में एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा हम सब लोगों का विश्वास भी है। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय राष्ट्रपति जी की अभिरुचि देश की शिक्षा को एक नया आयाम देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर संस्थान की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि संस्थान अपनी शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान और विकास कार्यों को गति प्रदान कर उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि संस्थान द्वारा इतने अल्प समय में भी विज्ञान तथा तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में इतनी सार्थक पहल की है, जिससे प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का स्तर बहुत उन्नत हो चुका है और भविष्य में और भी आगे बढ़ने का कार्य होगा। We present our institute this evening when this institution is celebrating its second convocation. The history of IISER Bhopal is not a very long one. In fact, the decision of establishing top class Institute for Science Education and Research were taken recently during the 12th flight, and a number of institutions have been established in different parts of the country recently. Your institution came to exist in 2008 and you had a very modest beginning with just 78 students, 18 students in 2008, and today, after 6 years, when you are assembled at the second convocation, you have already reached a total strength of 635 students, including 178 PhD students. One gratifying note is that 36% of the students' population are grad students. I congratulate them, and I would like to see very soon this percentage should be little more than 50%, because the population of this country shared almost at that ratio.